दोस्तों, आज के दौर में चेहरे पर झाइयाँ होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो बढ़ती उम्र में बढ़ती जाती है, और महिला हों या पुरुष, किसी को भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। और लोग अक्सर इसी तलाश में रहते हैं कि कोई उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिले जिससे कि वो परमानेंट अपना झाइयों का ट्रीटमेंट कर पाएँ, चेहरे पर झाइयाँ ना हों। कुछ लोग इसके लिए होम ट्रीटमेंट भी यूज़ में लेते हैं, जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो मार्केट में अवेलेबल क्रीम है उनका भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन वाली क्रीम है जिसको अक्सर लोग अपने चेहरे पर यूज़ करते हैं, जिसमें हाइड्रोक्विनोन ट्रीटिनोन मोमेटासोन नाम की दवाइयाँ होती हैं। और इस टाइप की क्रीम को लगाकर लोग चेहरे को सुंदर भी बना लेते हैं, और कुछ लोग वहीं पर गलत इस्तेमाल करके अपने चेहरे को बर्बाद भी कर लेते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट उनके चेहरे पर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं और आप चेहरे पर होने की वजह को समझ गए, तो आप सही से ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत ही कम समय में कम पैसे खर्च करके आप अपने चेहरे की झाइयों को खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप चेहरे पर क्रीम लगाएं, साबुन लगाएं, लोशन लगाएं, चेहरे की झाइयां थोड़े समय के लिए खत्म होंगी और उसके बाद फिर से आपके चेहरे पर झाइयां होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप वहीं पर वजह को समझ गए कि आखिर वजह क्या है, तो आप सही तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे तो हो सकता है कि परमानेंटली आपकी जो झाइयां हैं वो चेहरे से खत्म हो जाएं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, धैर्य बना के इस वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। क्योंकि आज की इस वीडियो में चेहरे पर होने वाली झाइयों की वजह को बताने के साथ साथ मैं उस क्रीम के बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं जो अक्सर लोग अपने चेहरे पर लगाते हैं और उसको लगाकर अपने चेहरे को बर्बाद भी कर चुके हों, कुछ लोग सुंदर भी बना चुके हों। तो कौन सा वो सही तरीका है जो आप उस क्रीम को लगाएं और आपके चेहरे से झाइयाँ दूर हो जाएं और चेहरे पर साइड इफेक्ट ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको सही तरीके से इस वीडियो में जानकारी दे पाऊँ। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मेरा नाम है नितिन, आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हस्तपुष्ट होंगे। बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी ले लेते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा उन वजहों के बारे में जिनकी वजह से हमारे चेहरे पर अक्सर झाइयाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो एक तो बढ़ती उम्र का कारण माना जाता है कि जब उम्र बढ़ रही होती है तो चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं। तो उस दौरान तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप कोई भी क्रीम अपने चेहरे पर लगा लीजिएगा तो आपकी झाइयाँ खत्म नहीं होने वाली। दूसरा है प्रदूषण। प्रदूषण की वजह से भी हमारे चेहरे पर झाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो उसका तो एक ही ट्रीटमेंट है कि आप एक अच्छा फेस वॉश लीजिए जो आपकी स्किन के हिसाब से सूटेबल हो। डेली बेसिस पे आप अपने चेहरे को फेस वॉश से धोलिए तो आपके चेहरे पर झाइयाँ नहीं होंगी। तीसरा कारण माना जाता है जो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अपने चेहरे पर यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो आपके चेहरे पर सूटेबल नहीं होता है तो भी आपके चेहरे पर झाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर इस वजह से हैं तो सीधा सा है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है। और अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं और आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से भी सलाह लीजिए, उसके बाद ही अपने चेहरे पर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। इसके बाद देखा जाता है कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है तो ब्लड की कमी की वजह से भी चेहरे पर झाइयाँ होती हैं। तो अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है और आप ऊपरी त्वचा पर बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप लोशन भी लगा रहे हैं, आप क्रीम भी लगा रहे हैं, आप फेस वॉश से अपने चेहरा धुल रहे हैं, फिर भी आपकी झाइयाँ खत्म नहीं हो रही, तो वो भैया बिल्कुल भी नहीं होंगी। हो सकता है कि कुछ समय के लिए हो जाए, मगर अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी रहती है तो आपके चेहरे पे झाइयाँ थोड़े समय के बाद दोबारा हो जाएंगी। चौथा मेजर कारण माना जाता है जो महिलाओं में अक्सर देखने के लिए मिलता है, वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस, जो कि पीरियड्स टाइम पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से भी चेहरे पर झाइयाँ होती हैं, जो अक्सर प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिलती है। अब ये कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम है जो महिला पुरुष दोनों के साथ रहती है, और जो हमारा खान पान है, अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली तला भुना या फास्ट फूड खाते हैं जिनसे हमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू नहीं मिल पाती है, तो भी हमारे चेहरे पर झाइयाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अभी तक ये समझ गए होंगे कि आखिर जो चेहरे पर झाइयाँ होती हैं उनके पीछे कौन कौन सी वजह होती हैं, जो आप खुद ही इनको ठीक कर सकते हैं। बाकी कुछ कारण होते हैं कि कुछ दवाइयों की वजह से या बीमारी के चलते भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट तो आपको डॉक्टर के थ्रू ही मिलने वाला है, और वो डॉक्टर से ही मिलकर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं बात करूंगा उस कॉम्बिनेशन वाली क्रीम के बारे में जो लोग अक्सर अपने चेहरे पर लगाते हैं और अपने चेहरे को अच्छा भी बना लेते हैं, और कुछ लोग अपने चेहरे को बर्बाद भी कर लेते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैं आपको बता दिया, जिसमें हाइड्रोक्विनोन ट्रीटिनोन मोमेटासोन नाम की दवाइयाँ होती हैं, और एक क्रीम है जिसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसका नाम है स्कारलाइट। स्कारलाइट जो क्रीम है, इसका कॉम्बिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में, अगर आपको साफ दिख रहा हो, इसमें हाइड्रोक्विनोन ट्रीटिनोन मोमेटासोन होता है। अगर मैं इसके स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो इस कॉम्बिनेशन में जो भी आपको क्रीम मिलेंगी ना, उनका कॉम्बिनेशन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो मोस्टली सेम ही होती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते।
तो इसमें जो हाइड्रोक्विनोन है वो इसमें 2% ऐड किया गया है, इसमें ट्रेटिनोइन 0.025% ऐड किया गया है, मोमेटासोन इसमें 0.1% ऐड किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो तीनों दवाइयाँ इसमें ऐड की गई हैं इन तीनों का काम क्या होता है। तो इस क्रीम में पीछे सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, जब आप अगर इस क्रीम को परचेज़ करते हैं तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये सब कुछ इसमें बताया गया है कि इसमें जो दवाइयाँ पड़ी हुई हैं उनका क्या क्या मतलब है, मतलब किस तरह से वो काम करती हैं। तो इस पर जो मेंशन किया गया है, हाइड्रोक्विनोन इफेक्टिवली कंट्रोल मेलानिन सिंथेसिस। हाइड्रोक्विनोन जो एक दवा है ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो चेहरे पर चमक लाता है और ये उन मेलानिन सिंथेसिस को बनने से रोक देता है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर झाइयाँ हो रही होती हैं। और इसमें जो ट्रेटिनोइन नाम की दवा है इस पर मेंशन किया गया है, हेल्प्स एक्सफोलिएट हाइपर पिगमेंट स्किन। जो हाइपर पिगमेंट स्किन होती है उसको ये एक्सफोलिएट करने में मदद करता है और ये विटामिन ई की फॉर्म होती है जो हमारे स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, स्किन को रिन्यू करने में मदद करती है। और इसमें जो मोमेटासोन नाम की जो दवा है ये एक स्टेरॉयड होता है और इस पर मेंशन किया गया है, मोमेटासोन इफेक्टिवली कंट्रोल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। इन्फ्लेमेशन की जो प्रॉब्लम होती है, अगर आपके चेहरे पर रेडनेस है, आपके चेहरे पर स्वेलिंग है, आपकी चेहरे के अलावा अगर स्किन पर कहीं भी आपको स्वेलिंग है, रेडनेस है, पेन है, तो उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में इसके रिजल्ट बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो मोमेटासोन है ये हाइड्रोक्विनोन और ट्रेटिनोइन की जो प्रेजेंस है इसको भी इम्प्रूव कर देता है, इनके रिजल्ट को भी इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि ये स्टेरॉयड है जो इनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो जब हम इस क्रीम का यूज़ करते हैं ना तो विद इन 2 to 3 days में आपको इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, पर अगर सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं तभी आपको इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, अदरवाइज इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि इसमें जो मोमेटासोन ऐड किया गया है ना, इसकी जो प्रेजेंस है इस क्रीम को जितना बेहतर बनाती है उतना ही स्किन को और ज़्यादा खतरनाक बना देती है। क्योंकि अगर आप स्टेरॉयड लंबे समय तक या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी स्किन पतली भी हो सकती है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और भी आपको समस्याएं होना शुरू हो सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बात करें कि आखिर हमें किस तरह से इस क्रीम का यूज़ करना होता है। डॉक्टर हमेशा ये बताते हैं कि इस टाइप की कोई भी क्रीम अगर आप अपने चेहरे पर लगा रहे हैं जिसमें एक कॉम्बिनेशन हो ट्रेटिनोइन हाइड्रोक्विनोन मोमेटासोन, तो शाम को सोने से पहले आपको अपने चेहरे पर लगाना है और धूप में निकलने से 15 मिनट पहले आपको अपने चेहरे पर एक सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर के तौर पर एक मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टेरॉयड है वो आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है जिससे कि आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन है धूप में जाते वक्त आपको धूप से एलर्जी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो धूप से एलर्जी ना हो इसलिए आप अपने चेहरे पर सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करें। तो इस क्रीम को लगाना है, इस क्रीम को लगाने के साथ साथ आपको सनस्क्रीन लगाना है और उसके साथ साथ आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। ये एक सही तरीका होता है इस टाइप की किसी भी क्रीम का इस्तेमाल करने का। अगर आप इस ढंग से इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और आप अपनी स्किन को अच्छा कर पाएंगे, अपने चेहरे से झाइयों को हटा पाएंगे। कभी भी आप ये कोशिश मत कीजिएगा कि आपके चेहरे पर अगर झाइयाँ हैं तो इस टाइप की कोई भी क्रीम आप सुबह शाम लगाएं। अगर आप सुबह भी लगाते हैं, शाम भी लगाते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते या मॉइस्चराइजर नहीं लगाते तो डेफिनेटली आपको इस क्रीम के साइड इफेक्ट होने वाले हैं। और कभी भी आपको इस टाइप की क्रीम का अपने चेहरे पर बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ भी नहीं करना होता है, जो कि इस क्रीम पर भी मेंशन किया जाता है कि इस क्रीम में शेड्यूल H1 की दवाइयाँ हैं जो कोई भी मेडिकल स्टोर वाला आपको बिना पर्चे के सेल आउट नहीं कर सकता और आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। स्कारलेट क्रीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और भी दे दूं कि इस क्रीम को ग्लोवैक्स हेल्थ केयर कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है और इसकी जो करंट MRP है 162 रुपये है। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आप इसको मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं जो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल जाती है। बाकी अगर मैं इस क्रीम के साइड इफेक्ट की बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टेरॉयड है जो इस क्रीम को बहुत ज़्यादा खतरनाक भी बना देता है। तो अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ में हैं तो आपकी स्किन रेड हो सकती है, इचिनेस का सामना करना पड़ सकता है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, पतली हो सकती है, ड्राई हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जानकारी आपको सही लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।